अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRST न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRST न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। अक्षय नवमी पर शुरू हुई अयोध्या की ऐतिहासिक 14 कोसी परिक्रमा में लाखों पग आराध्य देव भगवान राम के जयकारों के साथ आस्था की डगर पर चल पड़े, तो उनकी सेवा के लिए सामाजिक संगठनों से लेकर जनपद में उच्च पदों पर आसीन अधिकारी भी उतरे ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसी क्रम में शहादतगंज स्थित जजेज कॉलोनी की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें पहुंचे परिक्रमार्थी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। इसी संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने कहा कि 14 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का अवसर मिला है, वह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हालांकि उन्होंने परिक्रमार्थियों से अपील की है कि सभी परिक्रमार्थी परिक्रमा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। उन्होंने बताया कि यह भंडारा सुबह से आयोजित किया गया है जो परिक्रमा की समाप्ति तक अनवरत चलता रहेगा। जी बताएं। आज 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में यहाँ की जा रही है जिसके उपलक्ष्य में हमी सभी न्यायिक परिवार की ओर से एक वृहद भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें सभी श्रद्धालुओं को हम लोग निःशुल्क यहाँ पर भोजन खिलवा रहे हैं। साथ ही उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि कोविड के समय में सभी लोग मास्क लगाकर ही परिक्रमा करें और पर्याप्त जितना हो सके सुरक्षा से सावधानी से ये परिक्रमा पूरी करें। तो हमारे न्यायपालिका की तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। नमस्कार। भंडारा कब से चला, कब तक चलेगा ये भंडारा? प्रातः से ही हमने यहाँ शुरू 10 बजे से शुरू हो गया है और ये लगभग रात को 2-3 बजे तक, जब तक श्रद्धालु लोग रात भर चलेंगे तब तक हम लोग ये भंडारा यहाँ पर करेंगे। नाम और सब पद बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं यहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRST न्यूज। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।